हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में हम ब्लड डिस्कस करेंगे। हम अपने चैप्टर 18 में फर्स्ट सेगमेंट में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल डिस्कस कर चुके हैं। होप सो आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट कम ओवर सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज ब्लड। ब्लड क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और मेन फंक्शन क्या है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो आज के सेगमेंट में हमारा मेजर फोकस रहेगा ब्लड प्लाज्मा पे, कि प्लाज्मा किस चीज से मिलकर बनी होती है। लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं आपको ब्लड के बारे में। जो स्टडी है ब्लड की, एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ ब्लड इज सेड टू बी हिमाटोलॉजी। हिमाटो वर्ड किससे अराइज हुआ है बेटा, ब्लड से। तो हिमाटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट आता है कि जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो मेनली कहाँ बनता है, बोन मैरो में। आप सुनते ही आ रहे हैं कि जो लार्ज बोन है, बोन मैरो, बोन की जो कैविटीज होती है कंटेनिंग रेड जेलाटिनस सब्सटेंस, दैट इज सेड टू बी मैरो, विच इज द साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन और हीमेटोपोइसिस। हीमेटो मीन्स ब्लड, हीमो मीन्स ब्लड, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब तक आप यही पढ़ते आए हैं कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बट एक्चुअली ब्लड इज नॉट अ ट्रू कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि जो इसकी फॉर्मेशन है, यदि मैं बात करूँ प्लाज्मा की, तो इट इज फॉर्म्ड इन लीवर। प्लाज्मा का जो मेजर कंपोजिशन है, ये कहाँ बनता है, लीवर में, वेर एज ब्लड कॉर्पसेस आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। और भी बहुत सारे रीजन बताऊंगी मैं कि ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, देयर इज नो फाइब्रोब्लास्ट सेल या फाइबर्स आर एब्सेंट, दैट्स व्हाई ब्लड इज सेड टू बी फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। दो रीजन बताए मैंने, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल और फाइबर्स इन देयर मैट्रिक्स, एंड सेकंड, ब्लड प्लाज्मा इज फॉर्म्ड इन लिवर, वेयर एज फॉर्म्ड एलिमेंट और कॉर्पसल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। नेक्स्ट कम ओवर कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है। वैसे तो आप देखते हैं ब्लड इज रेड इन कलर, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज सेचुरेशन विद ऑक्सीजन, यदि ज्यादा सेचुरेटेड है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड है, तो वो ब्राइट रेड कलर का होता है। और यदि उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड है, CO2 अमाउंट ज्यादा है, देन ब्लड इज पर्पल रेड और विथ ब्लूइश टिंज। कैसी टिंज आती है, ब्लूइश टिंज आती है बेटा। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। वैसे ओवरऑल ब्लड रेड इन कलर। पीएच कितना होता है, 7.4, दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड, कितना वॉल्यूम ब्लड का प्रेजेंट होता है हेल्दी एडल्ट के अंदर। तो 5 to 6 liter इन केस ऑफ मेल एंड 4 to 5 liter इन केस ऑफ फीमेल। फीमेल में लिटिल बिट कम होता है, बहुत सारे रीजन है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मेजर रीजन, और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम फीमेल में कम नोटिस होता है एज कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट कम ओवर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, की जो ब्लड है विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू, वो किस किस चीज से मिलकर बना है। तो लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इट इज मेड अप ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड मैट्रिक्स पार्ट विच कॉन्स्टिट्यूएट 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जो अपना पूरा ब्लड है उसमें 55% वॉल्यूम किसने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है बेटा, प्लाज्मा ने। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 45% वॉल्यूम, मतलब 45% वॉल्यूम किसने कवर किया हुआ है, फॉर्म्ड एलिमेंट ने। जो जितने भी ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, दे रिमेन फ्लोटेड या दे रिमेन इन ब्लड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द मेजर पार्ट ऑफ ब्लड एंड हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर, दैट्स वाई ब्लड एग्जिस्ट इन फ्लूड स्टेट और लिक्विड स्टेट, दैट्स वाई इट इज सेड टू बी फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू और लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट कम ओवर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो प्लाज्मा है इसका कलर स्ट्रॉ पेल, जैसे आपने भूसी देखी होगी, स्ट्रॉ देखी होगी, पेल येलो कलर का होता है, एंड इट इज ऑफ ड्यू टू पिगमेंट यूरोबिलिनोजन। ये किसका डिग्रेडेड फॉर्म है, बिलिरुबिन। मैंने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, बाई पिगमेंट दो तरह के पढ़े थे आपने, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बिलिरुबिन का डिग्रेडेड फॉर्म है यूरोबिलिनोजन, जो कैसा कलर देता है प्लाज्मा को, पेल येलो कलर। नेक्स्ट कम ओवर फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट आर ऑफ 3 types, RBC which is said to be erythrocyte, WBC white blood cell which is said to be leukocyte, and the third, that is blood platelets, or simply said to be thrombocyte। आपको पता ही है आरबीसी को क्या कहा जाता है, erythrocyte, WBC को leukocyte, और blood platelets is said to be thrombocyte।
नेक्स्ट कम ओवर एक कुछ स्पेशल टर्म पढ़ेंगे, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन कभी भी आप हिमेटो मतलब जब भी आप ब्लड टेस्ट कराने गए हो या कोई सीरियस किसी को डिजीज है तो इस तरह के कुछ वॉल्यूम्स के थ्रू मेजर करते हैं कि उसको कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर या कोई क्रॉनिक डिजीज चली आ रही है या नहीं। तो TLC DLC तो आपने सुना ही होगा, वो मैं लेटर स्टेज में डिस्कस करूंगी। यहाँ पे हम सीधा आ जाते हैं दो टर्म, PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर नंबर ऑफ RBC, नंबर ऑफ WBC, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने हैं 100 ml ऑफ ब्लड में, दैट इज सेड टू बी PCV, टोटल नंबर ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स इन ब्लड। एंड HV इज हीमेटोक्रिट वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ RBC इन ब्लड, नंबर ऑफ RBC इन ब्लड। यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ कॉर्पसेल्स बोला, यहाँ पे नंबर ऑफ RBC बोला। एंड द वॉल्यूम ऑफ PCV इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हीमेटोक्रिट वॉल्यूम। वाई? क्योंकि मैं कहूँ कि PCV 90% वॉल्यूम, 90% PCV वॉल्यूम इज ड्यू टू RBC एंड 1% बाय WBC एंड प्लेटलेट्स। तो आप देख रहे हैं ब्लड के अंदर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जो ब्लड को कैसा अपीयरेंस देता है, रेड देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो ऑक्सीजन को बाउंड करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि PCV के अंदर 99% वॉल्यूम इसने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है RBC ने एंड जस्ट 1% वॉल्यूम को कॉन्स्टिट्यूट करके WBC, मतलब ब्लड के अंदर मेजर कंपोजिशन की फॉर्म्ड एलिमेंट में कहें तो किसकी होती है, RBC की। नेक्स्ट कम ओवर प्लाज्मा, आज हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा विद देयर फंक्शन, कि ब्लड जो प्लाज्मा है जो एक पेल येलो कलर, स्ट्रॉ पेल येलो कलर, स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूड है, वो किन किन कंपोजिशन से मिलके बना है या क्या मेजर रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट कम ओवर प्लाज्मा विच इज द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड एंड इट इज फॉर्म्ड इन लिवर। यहाँ पे आप लिख लें कि जो प्लाज्मा होता है ये कहाँ पे बनता है, इट इज फॉर्म्ड इन लिवर एंड द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज लिवर। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट कम ओवर कंपोजिशन, इट इज मेनली कम्पोज ऑफ वॉटर एंड सॉलिड पार्ट। वॉटर कितने परसेंट है बेटा, 92%, कई बुक में 95% भी दिया हुआ है तो कन्फ्यूज मत होना। सॉलिड पार्ट 8-10%, लेकिन आपको यही वॉल्यूम कंसिडर करने हैं क्योंकि मैं आपको सभी कंपोजिशन क्लियर करूंगी कि कितने कितने परसेंट। वॉटर कितना है 90-92%, वेर एज सॉलिड पार्ट इज 8-10%। तो मेजर वॉटर कंस्टिट्यूएंट है, दैट्स वाई प्लाज्मा इज फ्लूड स्टेट और लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। And this solid part constitute of inorganic and organic compound. तो first come over inorganic composition of blood plasma. कि कौन कौन से inorganic composition है blood plasma के, तो it mainly composed of iron, salt and certain dissolved gases. तो कौन कौन से ions होते हैं blood plasma के अंदर mainly, तो ions होते हैं इसमें mainly sodium, chloride ion, potassium ion, calcium ion, bicarbonate ion, etc. लेकिन हमारा मेजर फोकस रहेगा किस आयन के ऊपर, कि ब्लड के अंदर मेनली यदि आपसे पूछा जाए तो कौन से आयन होते हैं, सोडियम एंड क्लोराइड। और इन दोनों को भी कंपेयर किया जाए तो किसका अमाउंट ज्यादा होता है, क्लोराइड आयन का एज कंपेयर टू सोडियम आयन। ये ध्यान रहे आपको, मैंने आपको क्लोराइड शिफ्ट कराई थी चैप्टर 17 में, आपको याद आ रहा होगा कि जब बाइकार्बोनेट RBC से प्लाज्मा में मूव करते हैं तो प्लाज्मा से क्लोराइड आयन मूव कर जाता है, विच इज सेड टू बी क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेना। तो यहाँ पे क्लोराइड आयन का मेजर कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूएंटी आप कहें कि क्लोराइड आयन इज द मेजर और मेनली प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। और आयनिक इक्विलिब्रियम इसका मेन काम क्या है, टू मेंटेन आयनिक इक्विलिब्रियम इन ब्लड, टू मेंटेन आयोनिक इक्विलिब्रियम इन ब्लड। नेक्स्ट कम ओवर सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, बहुत सारे, लेकिन मेजर कौन सा आयन सॉल्ट होता है, NaCl। तो हम मेनली फोकस करेंगे मेजर सॉल्ट के ऊपर। डिजॉल्व गैसेस, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व गैसेस O2,
CO2 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ N2 ऑल्सो, लेकिन मेजर कौन सा डिजॉल्व फॉर्म में होता है? O2 CO2, वो भी अगेन मैं आपको चैप्टर 17 में कंप्लीट कर चुकी हूँ कि किस फॉर्म में डिजॉल्व गैस ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स टू अल्वोलाई, सॉरी अल्वोलाई टू टिश्यू पार्ट अक्रॉस ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू टू लंग अल्वोलाई अक्रॉस ब्लड प्लाज्मा। तो ट्रांसपोर्टेशन आपने पढ़ा ही था, 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट आयन, और डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो डिजॉल्व गैसेस मेनली O2 एंड CO2 इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा विच इज एसोसिएटेड विद एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्रीदिंग में मेनली काम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में। तो यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा का मेजर रोल आपको क्या समझ में आ रहा है कि इट अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट कम ओवर ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विच कंस्टिट्यूट 7-9% वॉल्यूम। इनऑर्गेनिक पार्ट कितने परसेंट है बेटा? जस्ट इनऑर्गेनिक पार्ट यदि मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो इस तरह के छोटे छोटे टिपिकल क्वेश्चन आपके कवर होते हैं नीट के, कंपोजिशन पूछी जाती है, तो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जस्ट 0.9%, या आप कहें कि 1% इनऑर्गेनिक है, रेस्ट 7-9% कौन सा पोर्शन है ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं और क्या उनके रोल है ब्लड प्लाज्मा में, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कम ओवर प्रोटीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो NCERT में भी अच्छे से दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाते हैं, एम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रहे। तीन तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं अपने ब्लड प्लाज्मा में, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ऑल्सो। तो नेक्स्ट कम ओवर दीज ऑल प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन लिवर, व्हाट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन हेयर, कहाँ कहाँ बनते हैं ये प्रोटीन यदि मैं बताऊं, इट इज फॉर्म्ड इन लिवर, अगेन ग्लोबुलिन ऑल्सो फॉर्म्ड इन लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन, वेयर एज फिब्रिनोजन इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन लिवर। मतलब मेजर जो प्लाज्मा प्रोटीन है होल प्लाज्मा इट्सेल्फ फॉर्म्ड इन लिवर। तो आप कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो सब कहाँ बनते हैं? लिवर में। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है नेट में, फंक्शन पे जाने से पहले मैं उनका थोड़ा सा साइज कंपेयर करा दूं और फिर हम फंक्शन पे मूव करेंगे। तो एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है ये, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, लार्जेस्ट एंड इट इज स्मॉलेस्ट एंड ग्लोबुलिन आर इंटरमीडिएट साइज। क्या काम करता है? तो इट मेंटेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड। इसका मेन काम क्या है? ब्लड के अंदर वाटर को रिटेन करके रखना। ध्यान से सुने कि सपोज ये आर्टरी है और आर्टरी के अंदर बेटा ब्लड है और वाटर कंटेंट कितना है टोटली डिपेंड ओवर, ये ब्लड है और ब्लड के अंदर आप देख रहे हो कि कौन सा प्रोटीन है, एल्बुमिन। कौन सा प्रोटीन है? एल्बुमिन। इस एल्बुमिन का मेन काम है वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखना, इट होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल, इट होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब आपके ब्लड के अंदर वाटर का अमाउंट टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? एल्बुमिन पे। एंड व्हेन द अमाउंट ऑफ एल्बुमिन डिक्रीजेस इन बॉडी फ्लूइड और इन ब्लड प्लाज्मा देन व्हाट विल हैपन, यदि एल्बुमिन घटता है तो क्या होता है कि ये ब्लड से ऊज आउट होके कहाँ जाना शुरू कर देता है? टिश्यू में। कहाँ जाके जाना शुरू कर देता है? वाटर। वाटर ऊजेज आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी एंड एंटर इनटू टिश्यू फ्लूइड, जिसकी वजह से स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है टिश्यू में एंड इट लीड टू डिसऑर्डर इडेमा। स्वेलिंग ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वाटर इन टिश्यू, टिश्यू के अंदर वाटर एक्युमुलेट होता जा रहा है व्हेन द लेवल ऑफ एल्बुमिन इज लो इन ब्लड प्लाज्मा। तो मेन इसका काम क्या है? वाटर को होल्ड करके रखना किसके अंदर? ब्लड के अंदर, ताकि आयनिक कॉन्सेंट्रेशन OP ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहे, हैंस इट मेंटेन OP ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं, OP MRT वांट ऑफ फॉर्मूला से आप कैलकुलेट करेंगे केमिस्ट्री में, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है ऑस्मो रेगुलेशन में, हैंड इट्स प्ले मेंटेनिंग मेजर रोल इन ऑस्मो
रेगुलेशन। तो आपसे एल्बुमिन के ऊपर नोट पूछा जाए, व्हाट इज द रोल ऑफ एल्बुमिन। एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज 4% मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन एंड इट होल्ड द वॉटर इन ब्लड। एंड मेनली इसका काम क्या है, एक तो वाटर को बाउंड करके रखना, वाटर के लेवल को मेंटेन करना, एंड इफ इट्स लेवल डिक्रीजेज इन बॉडी फ्लूड लेस देन 3% देन ब्लड वाटर स्टार्ट ओजिंग आउट फ्रॉम ब्लड कैपिलरी एंड स्टार्ट एक्युमुलेटिंग इन टिश्यू एंड दैट डिजीज इज सेड टू बी इडेमा। स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी लेग्स पोर्शन में, लिम्स पोर्शन में, जनरली फोरलिम एंड हिंडलिम रीजन में, और इन टुवर्ड्स आई रीजन आप देखेंगे स्वेलिंग अपीयर हो जाती है। नेक्स्ट कम ओवर ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कॉन्स्टिट्यूएट 2 to 2.5% वॉल्यूम, नाम से क्लियर है ग्लोबुलिन। इट इज मेनली सेड टू बी इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। और यदि कॉमन लैंग्वेज में बोलूं, विच इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल IG, एंटीबॉडीज। इनका मेन काम क्या है बेटा, एंटीबॉडीज बनाना। जैसे ही हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर करते हैं, हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। इसको किल करने के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडीज। तो इसका मेन काम क्या है, हमारी बॉडी को क्या देना, इम्यूनिटी देना। Hence it is associated with immunity. तो प्लाज्मा के अंदर अभी अभी आप सुन भी रहे होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है कोरोना पेशेंट को, जो ठीक हुए हैं उनकी ब्लड सीरम से ग्लोबुलिन्स लिए जा रहे हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिए जा रहे हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, दैट इज टेक्निकली सेड टू बी इम्यूनोग्लोबुलिन, जो इम्यूनिटी देते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर करेगा, दीज ग्लोबुलिन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो जो रॉ मटेरियल है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन के लिए, ग्लोबुलिन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो यदि प्लाज्मा के अंदर जितना ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा, उतनी तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में आएगा और हम एंटीजन से फाइट कर पाएंगे। तो जो इम्यूनिटी है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्लोबुलिन पे। अब एक नीट का क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नीट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आता है एल्बुमिन वर्सेस ग्लोबुलिन रेशियो। रेशियो इज 2:1। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि यदि ये रेशियो फ्लक्चुएट होती है, यदि ये रेशियो घटती है तो बॉडी में किस तरह के डिसऑर्डर आएंगे, यदि ये रेशियो बढ़ती है एल्बुमिन ओवर ग्लोबुलिन, यदि ये रेशियो बढ़ रही है तो उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी, लेकिन यदि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स आ रहे हैं उसकी बॉडी में, हाइपर इम्यून डिसऑर्डर अपीयर हो गया है, तो कहीं ना कहीं एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो बहुत सारे डिसऑर्डर को डिटेक्ट और डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट कम ओवर फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन आपने सुने हैं ब्लड क्लॉटिंग में, तो ये दोनों प्रोटीन कौन बनाते हैं, लिवर, और लार्जेस्ट प्रोटीन है, दे एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो हमने तीन फंक्शन पढ़ा, सबसे मेजर फंक्शन पढ़ा एल्बुमिन का ऑस्मोरेगुलेशन, ग्लोबुलिन का इम्यूनिटी और फिब्रिनोजन का ब्लड क्लॉटिंग। तो होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर होगा प्रोटीन वाला। नेक्स्ट कम ओवर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट। जो भी हमने चैप्टर 16 में पढ़ा कि फूड आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब अक्रॉस लिम्फ वेसल, एब्जॉर्ब अक्रॉस ब्लड स्ट्रीम, तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो जनरली टारगेट ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंच रहे हैं, किसके थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो दीज डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड विटामिंस, दीज ऑल न्यूट्रिएंट कैरी फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू टारगेटेड ऑर्गन और नीडेड ऑर्गन वाया ब्लड प्लाज्मा इन डिसॉल्व्ड स्टेट। अब थोड़ा सा मैं इसमें रिकॉल कराऊं कि नॉर्मली एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इन हेल्दी पर्सन इज 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, एंड व्हेन इट एक्सीड मोर देन 150 और 180 मिलीग्राम, व्हेन इट एक्सीड, यहाँ पे थोड़ा सा देखें बेटा, when its value exceed 180 milligram 150 to 180 milligram per 100 ml of blood, then the disease is said to be diabetes mellitus, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में शुगर बोल देते हो और डायबिटीज बोल देते हो।
शुगर और डायबिटीज की जो प्रॉब्लम बोलते हो कि जो यूरिन के थ्रू शुगर ग्लूकोज बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अनवांटेड वीकनेस आनी शुरू हो जाती है व्हेन द वैल्यू ऑफ ब्लड ग्लूकोज एक्सीड बियॉन्ड 150 टू 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना है, 80 टू 100 मिलीग्राम पर 100 ml। थोड़ा बहुत वैल्यू आपको यदि बुक में फ्लक्चुएट करेगी बेटा, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो जो ब्लड शुगर टेस्ट है फास्टिंग में लिया गया है, रेंडम टेस्टिंग लिया गया है या पोस्ट में लिया गया है। फास्टिंग का मतलब उसने पूरी रात कुछ नहीं खाया तो ब्लड शुगर और डाउन जाएगी, यदि रेंडम टेस्टिंग है तो ज़्यादा जाएगी, और पोस्ट मील तुरंत खाना खाने के बाद लिया गया तो कुछ और आएगी। तो आपकी यदि ये वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही हैं तो वो गलत वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की टेस्टिंग कराई गई है, whether the testing blood sugar testing is carried out in fasting situation, post meal situation or random testing. Next come over cholesterol. Cholesterol भी हमारे body में कौन carry करके ले जाता है, blood plasma, and this cholesterol is formed in liver. अब क्या काम है इस cholesterol का, before explaining the function of cholesterol मैं आपको बता दूं कि normal cholesterol level कितना होता है। This is the normal blood cholesterol level. Normal blood cholesterol level मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगेन आप ये भी टोटली टेस्टिंग पे डिपेंड करती है कि किस तरह का डाइट लेके आपने टेस्टिंग कराई है, थोड़ी बहुत वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। अब बात आती है कि कोलेस्ट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। हालांकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रोल वैल्यू बड़ी है या थोड़ा भी फ्लक्चुएट हो रहा है तो बॉडी में डिजीज अपीयर होगी, नहीं। कोलेस्ट्रोल इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट या मेजर न्यूट्रिएंट। क्या किन किन चीजों में पार्टिसिपेट करती है, तो कोलेस्ट्रोल पार्टिसिपेट इन विटामिन डी सिंथेसिस। मतलब आपकी बॉडी में यदि कोलेस्ट्रोल कम होगा तो विटामिन डी की अमाउंट भी कम होती जाएगी, बिकॉज यूवी एक्सपोजर कन्वर्ट कोलेस्ट्रोल इनटू विटामिन डी दैट इज कोलेकैल्सिफेरॉल। एंड सेकेंड फंक्शन, इट पार्टिसिपेट इन स्टीरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन। स्टीरॉयड हार्मोन लाइक सेक्स हार्मोन, जितने भी आपने सेक्स हार्मोन पढ़े हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनके लिए भी रॉ मटेरियल मेनली क्या है, कोलेस्ट्रोल। एंड थर्ड वन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो स्ट्रेंथ देने की बात आती है, यदि हम फॉस्फोलिपिड नहीं कह सकते, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रेंथ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने तीन फंक्शन पढ़े कोलेस्ट्रोल के यहाँ पे। वैसे देर आर सो मेनी वाइटल फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल इन आर बॉडी, लेकिन कुछ मेजर फंक्शन बता दूं। फर्स्ट इज पार्टिसिपेट इन विटामिन डी सिंथेसिस अंडर द एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। सेकेंड इज स्टीरॉयड हार्मोन फॉर्मेशन, जितने भी सेक्स हार्मोन है। तो आप देख रहे हैं कि यदि कोलेस्ट्रोल लेवल बहुत बियॉन्ड जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो इट सम टाइम लीड टू हार्मोनल प्रॉब्लम और इन सीवियर केस इवन लीड टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो। एंड नेक्स्ट थर्ड, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अपनी जो सेल की बाउंड्री है, एनिमल सेल की आउटर बाउंड्री किससे मिलकर बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिडिटी है, स्ट्रेंथ देना है, रिजिड तो नहीं होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, तो उसको स्ट्रेंथ देने की बात कौन देता है उसको स्ट्रेंथ। मेजर कंपोजिशन इज फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, बट स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय कोलेस्ट्रोल। अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने थोड़ा सा यदि आपको डाइजेशन वाला चैप्टर रिकैप कराऊं, तो जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुए थे बेटा, मीसल्स एंड काइलोमाइक्रोन। याद आ रहा होगा, कुछ लोग चाइलोमाइक्रोन बोलते हैं, कुछ काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, मैं काइलोमाइक्रोन बोलती हूँ। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो चाइलोमाइक्रोन काइलोमाइक्रोन थे हमारे, दे एब्जॉर्ब अक्रॉस लैक्टील। वो जो लैक्टील है वो अल्टीमेट जो फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल है विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन, वो कहाँ पे ड्रेन कर देता है, ब्लड प्लाज्मा में। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज कैरीड आउट इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। नेक्स्ट कम ओवर अनदर कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज वेस्ट प्रोडक्ट, कि और किन किन चीजों में रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे इस जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिटाइन, क्रिटिनाइन, ये सभी कहाँ से एक्सक्रीट होने हैं, किडनी से। लेकिन ये सब किस में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बेटा,
अपने ब्लड प्लाज्मा में, मतलब अपने किडनी पर डे की मैं बात करूँ किडनी रीनल फंक्शनिंग की, तो 25 ग्राम यूरिया एक्सक्रीटेड वाया किडनी। अब बात आती है कि लेकिन यदि ये ज्यादा बन रहे हैं तो ये कहाँ एक्यूमुलेट होते जाएंगे, तो दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन ब्लड प्लाज्मा। तो नॉर्मल ब्लड प्लाज्मा का लेवल बताया है मैंने, नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड प्लाज्मा हेयर 17 to 30 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, एंड वेन देयर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस बियॉन्ड 30 to 40 ग्राम पर 100 ml ऑफ यूरिया इन ब्लड प्लाज्मा, यदि इतना बढ़ जाता है देन द डिसऑर्डर इज सेड टू बी यूरिमिया। उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, यूरिमिया। तो बहुत सारे इचिंग प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और वेन द लेवल ऑफ यूरिया इंक्रीजेस बियॉन्ड अ लिमिट इन ब्लड प्लाज्मा देन इट स्टार्ट डिस्ट्रक्टिंग आरबीसी, आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देता है, एंड समटाइम इट लीड टू सीवियर एनीमिया। तो आप ध्यान से सुने इस पॉइंट को कि यूरिमिया सिर्फ रीनल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस नहीं लीड करता, इट समटाइम इन सीवियर केसेस स्टार्ट किलिंग और डिस्ट्रक्टिंग आरबीसी एंड यूरिमिया लीड टू एनीमिया। तो इट स्टार्ट हाई लेवल ऑफ यूरिया 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड ग्रेटर देन है, देन इट डिस्ट्रक्ट आरबीसी, और आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते जाएंगे देन इट अल्टीमेट कॉज एनीमिया। इस चीज को लीड करता है बेटा एनीमिया को, तो यूरिमिया इवन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीमिया। नेक्स्ट कम ओवर एंटीकोएगुलेंट। अभी बताया मैंने कि जब कट लगता है तो ब्लड की क्लॉटिंग कौन करते हैं, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रॉम्बिन, विच इज फॉर्म्ड इन ब्लड इन लिवर, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्लड कैपिलरीज में ब्लड क्लॉट ना हो, उस क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है, और कॉर्डेड ब्लड इंक्लूडिंग एनालिट्स ऑल्सो, एंड दैट इज सेड टू बी हेपरिन। तो हेपरिन इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्रीवेंट ब्लड क्लॉटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल। यदि कट नहीं लगा तो उसके अंदर किसी भी तरह की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, जो अनवांटेड थ्रोम्बस आ जाते हैं, क्लॉट्स आ जाते हैं कईयों के ब्लड में, इट इज ऑफ ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ हेपरिन, एंड देर आर सो मेनी रीजन। नेक्स्ट कम ओवर डिफेंस कंपाउंड। इवन अलोंग विथ ग्लोबुलिन देर आर सर्टेन डिफेंस कंपाउंड प्रेजेंट इन प्लाज्मा दैट इज लाइसोजाइम एंड प्रॉपर्टीज। इसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिफेंस कंपाउंड एक्सप्लेन करने से बता दूं कि जितने भी हॉर्मोन्स पे आ जाते हैं, फिर मैं थोड़ा सा क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बचा तो मैं थोड़ा सा बता दूं, हॉर्मोन्स जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपने सारी सिक्रीशन, वेदर द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, जितने भी इंक्लूडिंग और भी बहुत सारे ग्लैंड्स आपने पढ़े हैं, ओवरीज, टेस्टिस, सभी अपने हॉर्मोन्स को कहाँ ड्रेन कर देते हैं, ब्लड में, दैट इज इन ब्लड प्लाज्मा, एंड विच इज कैरीड टू टारगेटेड ऑर्गन वाया ब्लड प्लाज्मा। सपोज ओवरी रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड देयर टारगेट ऑर्गन इज यूटेरस, तो वो वहां तक किसके थ्रू पहुंचेगा, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। नेक्स्ट कम ओवर डिफेंस कंपाउंड लाइसोजाइम एंड प्रॉपर्टी। थोड़ा सा इसके फंक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। तो लाइसोजाइम क्या होते हैं, लाइसोजाइम एंड प्रॉपर्टीज दीज आर डिफेंसेस, या आप सिंपल कहें डिफेंस कंपाउंड और डिफेंसेस। दीज डिफेंसेस आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। अब मेजर डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखें, लाइसोजाइम आर एंजाइम वेयर एज प्रोपर्टीन आर लार्ज प्रोटीन। क्या करते हैं ये लाइसोजाइम, डिग्रेड और डिस्ट्रक्ट सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही तोड़ दी इसने, तो इट इज बैक्टीरीसाइडल इन नेचर, बैक्टीरिया को किल कर देता है ये, बैक्टीरीसाइडल इन नेचर।
साइडल का मतलब किलिंग, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरियाइडल इन नेचर। वेयर एज प्रोटीन, दीज प्रोपर्टीन आर लार्ज प्रोटीन विच न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स, न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स रिलीज बाय वायरसेस एंड बैक्टीरिया, हैंस इट इज ऑल्सो सेड टू बी एंटी टॉक्सिन। मतलब हमारी बॉडी में जब कोई वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने, ताकि बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए, टिश्यू डैमेज ना हो, कोई इंजरी ना आए, तो उस वजह से उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है हमारे बॉडी में, प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो लोकेटेड इन प्लाज्मा। तो दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज ब्लड कॉर्पसेस। और आप पूरा वीडियो देखें, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा नोट्स बनाने के लिए।